हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियान एफएफ एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वांगशियान फैन फिक्शन ड्रंक एंड मिस्टेक के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ईजन फैन फिक्शन सोल कनेक्ट जो आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल पर अपलोड थी, वो मैं इस चैनल पर अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस स्टोरी को उस चैनल से डिलीट करने वाली हूँ। इसलिए मैं इस स्टोरी को अब इस चैनल पर अपलोड करूँगी, ठीक है। जो लोग पहले से ही ये स्टोरी देख लिया है उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। जो लोग नहीं देखा है, मैंने उनके लिए ये स्टोरी दोबारा इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। और एक बात, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस स्टोरी को जब मैंने कवर किया था तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये स्टोरी मैंने बहुत टाइम पहले कवर किया है, जो लोग पहले सुन चुकी है उनको पता है, ठीक है। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेन जान तुरंत अपने मैनेजर और पर्सनल गार्ड को इशारा करता है। मिस्टर विलियम टेबल के ऊपर मनी से भरी हुई एक ब्रीफकेस रखकर कहता है, आपके लिए एक ऑफर है हमारे पास, हम आपको पैसा देकर हेल्प कर सकते हैं। ये सुनते ही मैडम यू के फेस पर एक चमक और लालच आ जाती है। मैडम यू पूरी बात सुने बिना ही कहती है, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है। जिससे सुनकर लेन जान स्मार्क करके विंग को घूरते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ आप उसे कल मेरी बिजनेस पार्टी में लेकर आए। मैं कल पार्टी में उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसे अगले ही दिन हमारी शादी होंगे। शादी के बाद सुनकर विंक तो सांसें ही अटक जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे लेंजा पसंद नहीं है, लेंजान को जो भी देखेगा पहली नज़र में ही वो उससे प्यार करने लगेगा। विंक के मुँह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था, वो बस ब्लाशिंग फेस और वाइडन आइज से लेंजा को घूरे जा रहा था। विंक को पता है उसके अंकल आंटी उसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, उसके होने पर उन लोगों को अफसोस है। पूरी रात विंग चैन से सो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे विंग नाश्ता ख़त्म करके काम पर जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी विंग के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उनके हाथ में एक वीक वुडन बॉक्स था। वो आदमी उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए कहता है, इसे किंग आपके लिए भेजा है। विंग बॉक्स हाथ में लेकर गार्ड से पूछता है, इसके अंदर क्या है? गार्ड कहता है, मैं नहीं जानता इसमें क्या है, और एक बात, आप अब से घर से बाहर नहीं जाएंगे। विंग कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? गार्ड कहता है, एक किंग का ऑर्डर है। ये कहकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद विंग बॉक्स ओपन करके देखता है। बॉक्स के अंदर उसके लिए एक्सपेंसिव क्लोथ थी और इसके साथ एक नोट भी। नोट में लिखा था, लव, तुम्हें इसे पहनकर पार्टी में आना है। विंग नोट रीड करके ब्लश कर रहा था क्योंकि कोई उसे पहली बार इतनी प्यार से बात कर रहा था। विंग पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। शाम 7 बजते ही विंग के घर के सामने एक एक्सपेंसिव और लग्जरियस कार आकर रुकता है। विंग बाहर आकर कार के अंदर बैठ जाता है, जो लेंजा ने उसके लिए ही भेजा था। विंग नर्वसली अपनी उंगलियों के साथ प्ले करने लगता है। थोड़ी देर में कार एक बिग मेंशन के सामने आकर रुकता है। इतनी बड़ी मेंशन और उसका डेकोरेशन देखकर विंग के आंखें चमक उठता है। विंग कार से निकलकर गार्ड के साथ मेंशन के अंदर सीधा आ जाता है। यह लेन जान अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप हाथ में लिए अपने लव को इंटेंसली घूरे जा रहा था। उसके फेस पर एक इबिल स्माइल थी। विंग इनोसेंटली वाइडन आइज से मेंशन की खूबसूरती को एडमायर करने लगता है। लेन जान अपने बेबी बॉय की इनोसेंस देखकर स्माइल कर लैपटॉप की स्क्रीन को टच करके कहता है, वेलकम होम लव। गार्ड विंग को कॉरिडोर से चलकर सीधा राइट टर्न लेने के लिए कहता है। विंग कॉरिडोर से चलकर एक बिग गोल्डन डोर के पास आ जाता है। विंग पोलाइटली डोर पर नॉक करता है। दो गार्ड डोर ओपन करता है। जब विंग कमरे में प्रवेश किया, मेड उसे कहता है, यू हैव टू ओबे आवर किंग। किंग
को वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके बात मानता है, और अगर तुमने उनकी सारी बात मानी तो तुम्हें किंग उसके बदले में इनाम भी देगा, और अगर तुम उनके बात नहीं माने और उनको नाराज़ किया तो तुम्हें उनका एंगर का सामना करना पड़ेगा। किंग जब किसी को पनिशमेंट देता है उसमें कोई मार्सी तो बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम उन्हें गुस्सा मत दिलाना, जस्ट किंग जो कहे वो ही करना, उनका बात मानना, और वो तुमसे जो भी पूछे तुम सिर्फ सच बोलना। अगर तुम ये सारी चीज़ कर लेते हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे रात बीत जाएगा, अंडरस्टैंड? ये कहकर नौकर स्माइल करता है और विंग को उस कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। जब विंग इतनी बड़ी कमरे में अकेला खड़ा था, विंग मिरर में खुद को देखता है, तभी उसे अपने कमर पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप महसूस होता है जो उसे अपने करीब खींच रहे थे। विंग टाइटली आंखें बंद कर लिया। जल्द ही विंग के बैक लंजा के हार्ड चेस्ट के साथ हीट होता है जिससे विंग थोड़ा कांप उठता है। लंजान स्लोली अपने दोनों हाथ विंग के स्टमक के ऊपर रखकर उसके कंधे पर अपना फेस रखकर उसे रब करते हुए धीरे से कहता है, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें भेजा है? विंग कुछ कहने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने नेक पर और बैक पर कंटिन्यूसली लेंजा का हॉट ब्रीथ टच हो रहे थे। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था तो लेंजान विंग के ईयर के पास आकर हल्के से उसके ईयर पर बाइट करके कहता है, लव मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी एंजेलिक वॉयस सुनने के लिए बेताब हूँ, तुमने ड्रेस क्यों नहीं बेयर किया जो मैंने तुम्हें भेजा है? विंग अपने आप को संभालते हुए कहता है, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं इस तरह की ड्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर तुम फिर भी यही चाहते हो कि मैं इसे वेयर करूँ तो मैं इसे ज़रूर वेयर करूँगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, पार्टी में बहुत लोग होंगे ना? लेंजान डीप वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इस कमरे में पार्टी के लिए नहीं बुलाया विंग, तुम्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया है अब। ये सुनते ही विंग के फेस की रंग उड़ जाता है। विंग को परेशान होते देखकर लेंजान स्माइल करता है। लेंजान विंग के हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसे अपने करीब खींच कर कहता है, लव पार्टी में चले, सब हम दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा है, शादी से पहले ये हम दोनों की पहली बैचलर पार्टी होंगे और मैं इसे तुम्हारे साथ ही इंजॉय करना चाहता हूँ। विंग लेंजा के हनी जैसे शब्द को सुनकर बस उसी के प्यार में घुले जा रहे थे। विंग लेंजा का हाथ पकड़कर पार्टी में आ जाता है। पार्टी में सब अमीर लोग आए हुए हैं, सब एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए थे और सब अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए था। लेंजान विंग को लेकर पार्टी सेंटर में आ जाता है और सबसे अपने और विंग के शादी के बारे में अनाउंस करता है। अनाउंसमेंट के बाद सॉन्ग प्ले होता है। सब अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आ जाता है डांस करने के लिए। लेंजा डांस के लिए विंग के हाथ अपने हाथ में होल्ड कर उसे अपने करीब लेकर आता है, फिर उसके कान में धीरे से कहता है, विंग तुम बहुत इनोसेंट हो, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ अब तक तुम वो सबसे अलग हो, और कल के बाद तुम सिर्फ मेरा बन जाओगे, यू आर माइन विंग। विंग लेंजा के लाइट ब्राउन आँखों के तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? लेंजान कहता है, क्यों तुम्हें मुझ पर डाउट है? विंग कहता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेंजान, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अंकल को इस ट्रैप में फंसाया होगा। लेंजान बात को बिना घुमाए सीधा कहता है, यस, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहती थी। लेंजान विंग के हाथ अपने हाथ में होल्ड करके उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इससे पहले विंग कभी कपल डांस नहीं किया था। अब दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर सामने खड़े थे। लेंजा एक जेंटल स्माइल देते हैं और अपना एक हाथ विंग के कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से विंग के हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। विंग लेंजान के हैंडसम फेस को ही
देखने लगता है। तभी लहनचंद डीप वॉइस में कहता है, आर यू ओके विंग। विंग अपने ख्याल से बाहर आकर नोट करके लहनचंद की तरफ देखकर स्माइल करता है। रोमांटिक सॉन्ग प्ले होते ही लहनचंद विंग को अपने ओर खींच लेता है, जिससे ऑटोमेटिकली विंग के हाथ लहनचंद के चेस्ट पर जाकर रुकता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड आ गए थे। दोनों के आँखें आपस में मिलते ही विंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। लहनचंद विंग की ओर देखता है, विंग भी उसे ही घूर रहा था। ये चीज़ लहनचंद को एक्साइट कर रहे थे। सॉन्ग के साथ साथ दोनों बहुत ही जेंटली मूव कर रहे थे। लहनचंद विंग के हाथ पकड़कर स्लो और सेंसुअल वे में मूव करते हुए दोनों और नज़दीक आ जाता है। विंग के क्लोजनेस से लहनचंद हॉट फील करने लगता है। विंग ये बात नोटिस करता है। विंग खुद को लहनचंद के करीब करके उसके चेस्ट पर अपना सिर रख देता है, जिससे लहनचंद का तो सांस ही अटक जाता है। लहनचंद के हार्ट बीट अब और भी इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि विंग के बॉडी सेंट लहनचंद के सेंस को हीट करने लगा था। विंग के बॉडी अब लहनचंद के बॉडी से टच हो रहे थे, उसके बॉडी से प्रेस हो रहे थे, वो भी सेंसुअल वे में। लहनचंद विंग के कमर पर अपने ग्रिप और ज़्यादा टाइट कर लेता है। लहनचंद खुद को हार्ड होते हुए महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता विंग उसके एक्शन से डर जाए। लहनचंद कंटिन्यूसली विंग के आँखों में और उसके लिप्स को घूरने लगता है। बहुत टाइम से लहनचंद खुद को विंग के लूशियस इरेजिस्टेबल लिप्स पर किस करने से खुद को कंट्रोल कर रहा है। लहनचंद मन ही मन कहता है, गॉड उसके लिप्स टेम्प्ट मी ऑल द टाइम, इनवाइट मी किस टू हिज लिप्स। लहनचंद नोटिस करता है विंग भी उसके लिप्स को घूर रहा है। लहनचंद डीप वॉइस में कहता है, तुम क्या देख रहे हो विंग। विंग तुरंत आंखें दूसरी ओर हटाकर कहता है, नहीं कुछ नहीं। लहनचंद डार्कली चकल करता है। विंग के इनोसेंस लहनचंद के डार्क साइड को टर्न ऑन कर दिया था। लहनचंद अब खुद को और रोकने वाला नहीं था। लहनचंद विंग को अपने करीब खींचता है और उसे अपने हार्ड चेस्ट के साथ प्रेस करने लगता है। लहनचंद डीप हस्की वॉइस में कहता है, तुम जानते हो तुमने अभी अभी क्या किया है, राइट? तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है। तुमने अपने आँखों से मुझे डीजी महसूस करवा रहे हो। बिना ड्रिंक के ही मुझे नशा फील हो रहा है। लहनचंद अपने थंब से विंग के लूशियस लिप्स को सहलाते हुए सिडक्टिव टोन में कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो लव। विंग के चीक्स रेड होते हुए देखकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करने लगा। विंग नर्वसली खुद को पीछे करने लगता है तो लहनचंद उसके फोरहेड पर अपने फोरहेड टच करके उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स ब्रश करते हुए सेक्सी टोन में और सिडक्टिवली कहता है, तुम मुझे पागल बना रहे हो। यू आर स्टक इन टू माई माइंड। मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ लव। विंग स्लोली हेड शेक करता है। लहनचंद कहता है, डू यू प्ले समथिंग वाइल्ड राइट नाउ। लहनचंद की बातों से विंग की एक्सप्रेशन शॉकिंग एक्सप्रेशन में बदल जाता है। लहनचंद नोटिस करता है उसके बातों से विंग के लिप्स लाइटली पार्टेड हो गया है। लहनचंद अब विंग के आंसर के लिए इंतज़ार नहीं करता, वो सीधा अपने लिप्स से विंग के लूशियस लिप्स को कैप्चर कर उसके लिप्स के टेस्ट लेने लगता है। विंग के आंखें वाइडन हो जाती है लहनचंद के एक्शन से। विंग लहनचंद के किस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, इसीलिए लहनचंद लाइटली विंग के बॉटम लिप्स पर बाइट करता है। इसके बाद विंग थोड़ा मौन करता है और स्लोली ही सही वो लहनचंद के किस पर रिस्पॉन्स करने लगा था। लहनचंद के लिप्स विंग को अमेजिंग फील दे रहे थे, जिससे विंग फिर से खुद को अराउज्ड महसूस करने लगता है। लहनचंद अब इस किस पर पूरी तरह से खुद को डिपेंड कर लिया था। दोनों के बीच इस गैप को बैनिश करने के लिए अपने बॉडी विंग के बॉडी के अगेंस्ट प्रेस करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो और मेरी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।